हेलो मित्रों, आपका ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी। आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही, आप इस मामले में बड़े परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी बड़ा आपको नुकसान हो रहा है। तो क्या उपाय करना चाहिए कि आपकी दुकान चलने लगे, आपका व्यापार चलने लगे, आपके पास ग्राहक आने लगे? तो आज इसी विषय पर कुछ उपाय आपको बताना चाहता हूँ। ये अनुभव किए गए उपाय हैं मित्रों, इन उपायों को बहुत व्यक्तियों पर आजमाइश किया हुआ है, आजमाया हुआ है, तो ये बड़े अच्छे उपाय हैं मित्रों। आप इन उपायों को पूर्ण आस्था से यदि करेंगे तो आपका व्यापार या आपकी दुकान पर भी ग्राहक आने लग जाएंगे। तो मित्रों, पहला उपाय है मंगलवार के दिन शाम को कुछ पालक खरीद कर उस पालक को अपनी दुकान या अपने व्यापार स्थल पर रख दें। अगले दिन बुधवार को आकर उस पालक को गायों को खिला दें। इस उपाय को आप 7 बुधवार तक जारी रखें तो इससे आपके व्यापार और आपकी दुकान में बहुत फायदा हो सकता है, बहुत आपकी आपकी आय है, आपकी इनकम है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, इंक्रीज हो सकती है आपकी आय। और इसके साथ एक उपाय और है मित्रों कि शनिवार की रात्रि को दुकान को बंद करते समय, मंगल करते समय, आप अपनी दुकान में 20 या 50 ग्राम उड़द, काले उड़द की दाल को बिखेर दें और अगले दिन रविवार को, संडे को आकर उस दाल को उठाकर जल प्रवाह कर दें। इस उपाय को भी आप 7 बार यानी कि 7 शनिवार को अगर जारी रखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापार या दुकान में जो भी अड़चने आ रही हैं वह अड़चने आपकी हट जाएंगी और आपकी आय, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी और दुकान पर ग्राहक भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आप इन उपायों को आजमाएं मित्रों, ये अनुभव के उपाय हैं, बहुत अच्छे उपाय हैं और बड़े आसान से उपाय हैं। अगर आपने इन उपायों को किया तो फिर आपको इन उपायों का बेनिफिट जरूर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी को इजाजत दें, सादर नमस्कार।